हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पी ऑडियो 15 इंच 500 वाट स्पीकर का रिव्यू करने जा रहे हैं। तो देखेंगे कि ये स्पीकर क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ आता है, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिल जाता है, कितने इंच का वॉइस कॉल यूज किया गया है और भी बहुत तरह के डिटेल हम आपको बताएंगे। और सबसे जरूर इस स्पीकर का अभी का प्राइस क्या है वो भी बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और इसी तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट रखते हैं, डीजे इक्विपमेंट से रिलेटेड, साउंड सिस्टम से रिलेटेड, लाइटिंग से रिलेटेड, एम्पलीफायर से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं पी ऑडियो के तरफ से 15BM500B। तो सबसे पहले इसका लुकिंग देखते हैं, फिर इसका स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिल जाएगा, इसका प्राइस क्या है और इसको किस टॉप में लगाना सही रहेगा, तो सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये है स्पीकर का लुकिंग, जो कि काफ़ी शानदार लुकिंग दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इमेज का क्वालिटी लॉस है बट मैनेज कर लीजिए। तो देख सकते हैं पेपर आपको इस तरीके से दिखने को मिलने वाला है और यहाँ पे होल्स दिए गए हैं, ठीक है, जो कि स्क्रू को टाइट करोगे। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लग रहा है और यहाँ पे जो टर्मिनल जो है ये भी काफ़ी हैवी टर्मिनल है और इस टर्मिनल में भी जंग लगने का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर का यूज़ किया गया है। ठीक है, जैसे इसको टर्मिनल को प्रेस करोगे तो वायर अंदर कर लोगे तो आपका यहाँ पे सोल्डरिंग करने का भी झंझट खत्म हो जाएगा। इसका बैक लुकिंग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं ये है 15BM500B। ठीक है, तो ये स्पीकर का बैक पैनल हम आपको दिखा रहे हैं, तो इसका देख सकते हैं चेसी वगैरह का डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे इसका कूलिंग सिस्टम भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसका बैक पैनल देख सकते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेट वगैरह किस तरीके से लगाया गया है और देख सकते हैं पी ऑडियो का लोगो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एयर पास होगा, मतलब अंदर और बाहर निकलेगा। ठीक है, और इसका टर्मिनल देख सकते हैं और चेसी का डिज़ाइन। और दोस्तों, ओरिजिनल पहचानने के लिए आप इसका लोगो देख लीजिएगा और चेसी में कहीं आपको PA सेम इसी के लोगो के जैसा यहाँ पे इंटीग्रेटेड वो पंच हुआ मिलेगा। ठीक है, अगर वो नहीं है तो समझ जाइएगा कि आपका स्पीकर झोलझाल है, मतलब कि डुप्लीकेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको इसका बैक पैनल भी दिखा दिए। झोलझाल से मतलब है कि थोड़ा लोकल लैंग्वेज में आपको बताएं। ठीक है, तो आप लोग क्या बोलते हैं एक बार बताइएगा। तो देख सकते हैं स्पीकर का एक और साइड व्यू हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये आपका साइड व्यू और ये टॉप व्यू, तो काफ़ी शानदार लग रहा है स्पीकर। आप देख सकते हैं इसमें कितने साइज का नट वोल्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, 6.5mm का यहाँ पे होल है, तो इसके हिसाब से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसका व्यू इस तरीके से, तो इसका बेसिक डिटेल तो हम आपको बता दी। तो इसका फ्रिक्वेंसी ग्राफ भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता दिए। तो आइए देखते हैं कि ये स्पीकर आपको क्या स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है, इसका फीचर्स क्या है और इसमें कूलिंग सिस्टम क्या है और इसको टॉप में यूज करना सही रहेगा या फिर नहीं, तो सब कुछ आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं ये है 15BM500B। जैसा कि इसका मॉडल नंबर में इसको मेंशन कर दिया गया, ये 15 इंच का स्पीकर है। इसका पावर रेटिंग का बात करें तो आपको 500 वाट AES, करीब करीब 400 वाट RMS पावर में ये आपको दे सकता है। ठीक है, नॉमिनल इम्पीडियंस है इस स्पीकर का 8 ohms। सेंसिटिविटी का बात करें तो 97 dB। फ्रीक्वेंसी रेंज का बात करें तो 45 Hz to 3500 Hz। ठीक है, और इसका चेसी टाइप है कास्ट एल्यूमिनियम, मैग्नेट टाइप है फेराइट और मैग्नेट का वेट का बात करें तो 2.9 kg। ठीक है, करीब करीब 3 किलो मान सकते हैं। वॉइस कॉइल का डायमीटर देख सकते हैं 82.5 mm और यहाँ पे देख सकते हैं कॉइल मटेरियल है CCA, शायद कॉपर वायर का यहाँ पे यूज किया होगा, लेकिन बहुत तरह का धातु मिला होता है इसका वॉइस कॉइल में। जैसा कि हम कभी स्पीकर को रिपेयर किए थे तो ओरिजिनल कॉइल को जो निकाले थे फाड़ के, तो वहाँ पे कुछ हमको अलग सा दिखा था। ठीक है, और इस स्पीकर में फॉर्मर मटेरियल है ग्लास फाइबर, कोन मटेरियल है पेपर। ठीक है, और भी तरह के डिटेलिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। और सबसे जरूरी है इस स्पीकर का वेट, तो वेट का बात करें तो यहाँ पे करीब 10 किलो देखने को मिलने वाला है। और दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे स्मॉल सिंगल पैरामीटर्स जो भी इसका मशीन पे चेक किया होता है, तो सेम डिटेलिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो बाकी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या क्या इसका मीनिंग है, तो आप चाहो तो गूगल भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस स्पीकर का फीचर्स के बारे में बात करें तो करीब 3 inch का वॉइस कॉइल का यूज किया गया, जो कि काफी पावर जनरेट करता है। इस स्पीकर को पावर देने के लिए काफी जरूरी है और ये 2000 वाट तक पीक पावर तक हैंडलिंग कर सकता है। ठीक है, और मैग्नेट है फेराइट मैग्नेट, नियोडियम मैग्नेट
मैग्नेट नहीं है। अगर आप चाहते हैं नियोडियम मैग्नेट के बारे में वीडियो बनाने के लिए, मतलब उस टाइप के स्पीकर के बारे में बनाने के लिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा #NeodymMagnetSpeaker, ठीक है, तो हम वीडियो जरूर टॉपिक को कवर कर लेंगे। और यहाँ पे आपको प्रेसिशन सर्कुलर इनसाइड आउटसाइड वायर ज्योमेट्री देखने को मिल जाएगा, और इसका चेसी है एल्युमिनियम डाईकास्ट चेसी, ठीक है। और भी डिटेलिंग्स आप यहाँ पे देख सकते हैं पीओडीओ के वेबसाइट पे आके, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अब बात करते हैं कि इस स्पीकर का यूज कहाँ पे किया जा सकता है। तो आप इस स्पीकर को यूज करके टॉप बना सकते हैं, डुअल 15 इंच के टॉप्स या फिर मॉनिटर्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको 500 वाट AES पावर प्रोवाइड करता है, तो आपके सेटअप में काफी वैल्यू एड कर सकता है, काफी आप सक्सेस कर सकते हैं साउंड सेटअप में। अगर आप साउंड बिजनेस यूज कर रहे हैं और इस स्पीकर का यूज करना चाहते हैं तो काफी अच्छा आउटपुट आपको मिल सकता है इस स्पीकर के थ्रू, ठीक है। तो काफी अच्छा यहाँ पे सिस्टम आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आप अगर डुअल 15 इंच के टॉप बना रहे हैं तो दो स्पीकर हो जाता है आपका करीब करीब RMS पावर में 800 वाट और 100 वाट का HF, मतलब कि 900 वाट का टॉप आपका तैयार हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप मॉनिटर भी यूज करना चाहते हैं तो सिंगल ये स्पीकर हो जाता है और 100 वाट का HF ले लो, तो काफी बेनिफिट आपको ये स्पीकर दे सकता है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि अभी का करंट प्राइस क्या होने वाला है, 2023 का लेटेस्ट प्राइस। तो देख सकते हैं इंडिया मार्ट के वेबसाइट पे 10,500। तो यहाँ पे हम आपको न्यू दिल्ली का प्राइस बता रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं चांदनी चौक न्यू दिल्ली, ठीक है। तो आपके स्टेट में ये क्या प्राइस है इस स्पीकर का, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो प्राइस में ऊपर नीचे थोड़ा सा देखने को मिल जाएगा। अगर आप किसी डीलर से जाके बाय कर सकते हैं तो करीब 8,000 से 10,000 के बीच में ये स्पीकर मिल जाना चाहिए। तो 1,000-2,000 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, तो आप मैनेज कर लीजिएगा। बाकी इस स्पीकर में इन्वेस्ट करके काफी तगड़ा आउटपुट ले सकते हैं, बोले तो गर्दा उड़ा सकते हैं। तो इस स्पीकर में आप इन्वेस्ट करते हो तो काफी वैल्यू एड कर देगा आपके लिए ये स्पीकर। तो मेरे तरफ से तो हाँ ही है, इस स्पीकर में इन्वेस्ट करके बहुत लंबे समय तक आप इस स्पीकर का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो POD 500 वाट स्पीकर के बारे में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और किन टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, हम वीडियो जरूर बनाएंगे, टॉपिक को कवर करके आपके साथ नॉलेज को शेयर करेंगे। और दोस्तों आप POD ब्रांड में ही 1200 वाट स्पीकर यूज करना चाहते हैं तो हम एक वीडियो आपको रिकमेंड करना चाहेंगे, POD C15 600 EL। तो फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल प्राइस सब कुछ हम उस वीडियो में क्लियर किए हैं। वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगा, क्लिक करके देख लीजिएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, स्टे ट्यून, बाय बाय।